अगर आप क्लास ऐप में कर रहे हैं, टीचमेंट ऐप में, तो यूट्यूब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो दोनों भी इस पर चल रही है, टीचमेंट ऐप पर भी चल रही है और यूट्यूब पर भी चल रही है। क्लास यूट्यूब पर भी है, जो आप क्लास अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो यूट्यूब और टीचमेंट दोनों ऐप पर चल रही है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब की भी क्लास देख सकते हैं। मैं लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ उसकी। ये क्लास जो है यूट्यूब पर भी चल रही है, तो मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप के, ज्वाइन कर लीजिए उससे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, आवाज सभी को क्लियर है मेरी? आवाज सभी को क्लियर आ रही है? जो स्टूडेंट यूट्यूब पर क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरी आवाज बराबर क्लियर सुन पा रहे हैं? चलिए, ओके। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पहला चैप्टर हमने केमिस्ट्री का कंप्लीट कर दिए है, सॉलिड स्टेट ठोस हालत चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है। और अभी जो हम चैप्टर यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये सेकेंड चैप्टर मैं आज ले रहा हूँ, शुरू करने वाला था और सभी को बताया भी था कि आज से हमारा मतलब जो क्लास रहेगी अभी उसमें ये शुरू हो जाएगा। और इसी तरह फिजिक्स के अंदर भी मैंने फर्स्ट पार्ट के मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ, और कल से यानी मंडे से जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें फिजिक्स का मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके अंदर भी क्लास आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है महलूल यानी सॉल्यूशन। तो इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूं। जैसे ये जो चैप्टर है अपना, ये आप लोगों को एग्जाम में कितने मार्क के लिए पूछा जाता है ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये चैप्टर जो आपको एग्जाम में आता है ये मिनिमम 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। ये चैप्टर आपको एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स के लिए आता है और मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया मिनिमम ये 4 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा और मैक्सिमम जो है 6 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में आ जाएगा। तो ये चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, जैसे जैसे कि आपको नाम इसका दिख ही रहा है सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है इसके अंदर हम जैसे कि डेली लाइफ में हम यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना अपने डेली लाइफ से बहुत इसका कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। डेली लाइफ में इसका अपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मतलब देखते हैं जितने भी टाइप के हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन बोले तो महलूल, महलूल होता क्या है असल में। जैसे हम डेली लाइफ में अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके मैं आपको एक मिसाल दूँ, तो जैसे आपने लिया पानी और उसके अंदर शक्कर ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर उसको घोल दिया और वो शक्कर उसके अंदर घुल गई, तो वो जो हमने वहां पर एक पानी तैयार किया है वो अपना क्या है, एक सॉल्यूशन है, महलूल है। उसी तरह आपने नमक लिया, पानी लिया, पानी के अंदर नमक को घोल दिया, तो उसमें भी आपको जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है महलूल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें सरफ का पानी आप बना रहे हो, तो इस तरीके की जो हम डेली लाइफ में काफी सारे जैसे जितने भी मिक्सचर है, जैसे डेली लाइफ में अगर बात की जाए तो हम चाय जो बनाते हैं घर में उसमें भी क्या होता है, हम यही इसकी ही बात करते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, सॉल्यूशन ही होता है एक्चुअली वो भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पेट अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल जो है पहले वाला लेने वाला हूँ, इसमें ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए सवाल हम जो है ना नोट्स जो हम पढ़ते हैं और यहाँ पर स्टडी करते हैं उसको सवाल जवाब के हिसाब से ही हम स्टडी करते हैं। तो सवाल जवाब के हिसाब से ही यहाँ पर भी हमारा डिस्कशन चलेगा, इस चैप्टर के अंदर भी सवाल जवाब के हिसाब से ही हम चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा जो पहला लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है, और इस लेक्चर में आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारा बेसिक बहुत ज्यादा इसके अंदर चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर जो पहला दिया हुआ है उस सवाल को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या बोला है अपने को, बोला है महलूल यानी सॉल्यूशन, मुहलिल सॉल्वेंट और मुनहल सॉल्यूट की वजाहत कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसे कहते हैं इसकी वजाहत करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट ये हमें बताना है। तो यहाँ पर डेली लाइफ का अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर बताऊंगा, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा अशिया का हम जिन्स आमेजा होमोजीनियस मिक्सचर महलूल कहलाता है। आपने दो या दो से ज्यादा अशिया लिए अलग अलग तरीके की और उसका हम जिन्स आमेजा जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मीन सेम एक जैसा मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, महलूल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बताया हूं इसकी डेफिनेशन, वेट एक मिनट, ये लिंक मैं बच्चों को सेंड कर देता हूं। बस एक मिनट के अंदर ही मैं बच्चों के लिंक सेंड कर रहा हूं, आप एक मिनट वेट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने बताया हूं ये जो सॉल्यूशन हमने, अब यहां पर इसके एग्जांपल देते हैं। महलूल तैयार करने के लिए जिस शय जूस में दूसरी शय जूस हल होती है इसे मुहलिल सॉल्वेंट कहते हैं और हल होने वाली शय जूस मुनहल कहलाती है, ठीक है। इसको जो जिसको हल किया जाना है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वैसे हम इसको समझ के चलेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो एक मैंने ग्लास लिया, एक ग्लास लिया
और ग्लास के अंदर हमने क्या किया, पानी भर दिया। ठीक है, ग्लास के अंदर हमने पानी ले लिया। अब ग्लास के अंदर मैंने पानी लिया, इस तरीके से हम मान लेते हैं यहां पर मैंने पानी ग्लास के अंदर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं इस ग्लास के अंदर, पहले मैंने क्या किया, यहां पर कुछ शक्कर लिया। ठीक है, यहां पर मैंने शक्कर लिया एक, मान लीजिए ये शक्कर है यहां पर रखी हुई। ठीक है, यहां पर हमने ले लिए शुगर और इसके अंदर है पानी, वाटर। अब अभी क्या है, ये अलग अलग दो जूस है, ये एक अलग जूस हो गया, ये एक अलग जूस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जूस को इस जूस में मिला रहे हैं, इस शय को इस शय, अपने लिए मतलब ये शय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं अभी, अभी हम उसको शय बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला हूँ एक शय को हम दूसरे शय में मिला रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, शक्कर को पानी में मिला रहे हैं, तो जैसे ही हम शक्कर को पानी के अंदर मिलाएंगे तो शक्कर क्या होंगी, शक्कर इस पानी के अंदर हमने डालकर उसको छोड़ दिए कुछ देर के लिए, हम देखेंगे कि शक्कर जो है वो क्या होंगी, पानी के अंदर घुलना शुरू हो जाएगी। और कुछ देर बाद अगर देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि शक्कर पानी के अंदर घुलते हुए पूरी घुल जाएगी और वो जो है अपने को शक्कर का पानी नजर आएगा। तो ये जो शक्कर का पानी हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये शक्कर का पानी जो हमें नजर आ रहा है उस शक्कर के पानी को हम कहते हैं महलूल। ठीक है, वो जो शक्कर के पानी के अंदर घुलने के बाद जो शक्कर बन जाएगी वो हो जाएगा अपने लिए महलूल सॉल्यूशन। अब ये क्या बनेंगे फिर अपने, ये अलग अलग जो हमने जूस लिए हैं, तो ये जो शक्कर है हमारे लिए सॉल्यूट। ठीक है, शक्कर क्या है हमारे लिए, सॉल्यूट, जिसको हमने कहा है मुनहल यानी सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है, ये जो पानी है, शक्कर को पानी के अंदर ऐड करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, शक्कर को पानी के अंदर हमने ऐड अभी नहीं किया है, तो उससे पहले की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अपने लिए सॉल्वेंट, मुहलिल। ठीक है, तो सॉल्वेंट ये हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाले, ये सॉल्वेंट हमने जो लिया है उसमें डाले और उसको घोले अच्छी तरह, तो घुलने के बाद हमें क्या नजर आएगा, ठीक है, इसमें हमें नजर आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, महलूल, तो ये हुआ महलूल, जो कि एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर समझाया हो। शक्कर के अंदर हम पानी के अंदर जो पानी है हमारे लिए वो सॉल्वेंट है। इसी तरह नमक, अगर मान लीजिए आपने शक्कर की जगह नमक ले लिया, नमक को आपने पानी में ऐड कर दिया, तो ये भी क्या है आपके लिए, एक सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ है सारी चीजें। आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पर देखिए, जो स्टूडेंट टीचमेंट ऐप पर है वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं अपने, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने ये लेक्चर दोनों ही तरीके से आज ले रखा हूँ, यानी यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हो और टीचमेंट ऐप पर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, सभी को क्लियर है, यूट्यूब पर अटैचमेंट वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है अपने पास इसके बाद टेबल। ये टेबल जो है ना अपने टेक्स्ट बुक में से ही मैंने लिया हूँ, इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक में भी है, उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक में भी, अपने उर्दू मीडियम की जो नोट्स है उसमें भी ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर अपने को क्या बोला है, देखो यहाँ पर इसको हम जो मैंने बताया ना उसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, मसलन शकर के पानी में महलूल में, सॉरी, मसलन शकर के पानी में महलूल में पानी मुहलिल और शकर मुनहल है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर सवाल नंबर दो की बात करते हैं। सवाल नंबर दो में देखिए क्या बोला है, मुहलिल और मुनहल के मुताबिक महलूल की जमात बंदी कीजिए। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, इस तरीके से दिया है अपने पास में, सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया है हुआ है और यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई है, यानी ऐसा समझ सकते हैं हम, यहाँ पर अपने को क्या दिया है, यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ मिसालें दी हुई है। हमें क्या करना है, हमें इसको देखकर आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो यहाँ पर ये यह है ना पहले से भरा हुआ है क्योंकि अपने ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब करना ऐसे था कि ये पूरा खाली रखना था मुझे, लेकिन खैर आपको इसके ऊपर से मैं समझा देता हूँ, ज्यादा हमारा टाइम भी पास नहीं होगा और जल्दी जल्दी हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मुहलिल और मुनहल यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तबई हालतों के मुताबिक महलूल की जमात बंदी दर्ज जैल के मुताबिक की जा सकती है। इसमें नंबर वन पर हम यहाँ पर ले रहे हैं मुनहल,
और मुहल्ल किसे कहते हैं वो तो आपको मैंने बता दिया हूँ। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे इसके अंदर पहले मैं ले रहा हूँ शकर का महलूल या समुद्री पानी। तो इसके अंदर हमें पहचानना है कि कौन क्या होगा, इसमें शकर क्या है और जो पानी है वो क्या है, हमें यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, तो शकर जो है अपने, ये तो अपने को डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल है इसलिए अपने को पता है। शकर किस हालत में पाई जाती है, आंसर आप दे सकते हो। शकर अपने को किस हालत में पाई जाती है, मतलब ठोस हालत में। देखो अपने पास में तीन तरीके से हम लेंगे, वैसे कैसा है अपने पास में जो मेजर टाइप है ना, जो अपना मादा होता है, मादे की हम जनरली कितनी किस्में लेते हैं, मादे की हम तीन किस्में लेते हैं। इसके तीन मेजर पार्ट है, यानी जो बड़े बड़े हम, वैसा हम तीन ही टाइप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है माय, और तीसरा क्या होता है गैस। हम यहाँ पर ये तीन ही मेजर टाइप पर इसके डिस्कशन करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हो गया ठोस माय गैस, तो ठोस माय गैस यहाँ पर हमने ले लिए। अब यहाँ पर हमें पहचानना है इसके अंदर कौन क्या है। तो ये तो आपको शकर का जो, अब ये जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके अंदर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, तो आपको आइडेंटिफाई करने है। सबसे पहला है इसके अंदर शकर का महलूल, समुद्री पानी। तो शकर किस हालत में पाई जाती है, शकर देखिए यहाँ पर जो महलूल है ना उसको यहाँ पर लिखना है आपको, और महलूल जो है उसका यानी जो सॉल्वेंट है उसको यहाँ लिखना है। तो ये जो शकर के महलूल जो बनता है, यानी शकर का जो पानी बनता है, शकर उसके अंदर जो है वो क्या है, यहाँ पर एक बात रखना, जो पहले आया है वो क्या है आपका सॉल्यूट है, और बाद में जो आया है इसके अंदर वो क्या है सॉल्वेंट है, और उसका मिक्सचर जो है वो क्या है सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर मुनहल जो है आपका यहाँ पर ठोस हालत में, यानी शकर ठोस हालत में है, और महलूल कैसा है माय हालत में है। ये पहला जवाब हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है धातु का, यहाँ पर इसको हम कहते हैं अलॉय ऑफ मेटल, उर्दू में कह सकते हैं धातु के भुर्ते कण। यहाँ पर जो है यानी ऐसा कह लीजिए, यहाँ पर हम जो मेटल को मेटल के अंदर ऐड कर रहे हैं, मेटल को मेटल के अंदर ऐड कर रहे हैं, कोई भी मेटल आपने उसका धातु का भुर्ते यानी उसको अलॉयज कहते हैं हम, छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो धात है वो किस शक्ल में पाई जाती है, कौन सी धातु, हम पारा जो होता है मर्क्यूरी उसको छोड़कर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मर्क्यूरी छोड़कर बाकी धातु की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कैसा है, ठोस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी धातु को धातु में अगर ऐड कर रहे हैं हम, यानी ठोस दोनों भी ठोस ठोस की शक्ल है, ये मेटल को मेटल में ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका। दूसरी इसके अंदर है हवा में आयोडीन, इसको पहचानना है, हवा में आयोडीन मिला रहे हैं हम, यानी आयोडीन किस हालत में पाया जाता है, वो ठोस हालत में पाया जाता है। ठीक है, जूम करना है, ठीक है, सफिशिएंट है इतना जूमिंग, दिखाई दे रहे हैं सभी को अभी, जूम किया हो तो। जो बच्चे टीचमेंट ऐप पर क्लास कर रहे हैं अभी, टीचमेंट ऐप पर जुड़े हुए हैं, वो यूट्यूब पर आ जाए, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में यूट्यूब ज्वाइन कर रखा हूँ इसके ऊपर, तो बच्चों को जिसके भी आंसर है वो इस पर यूट्यूब पर आप देख कर देख सकते हो और कह सकते हो। अभी क्लियर है ना यहाँ तक की सारी चीजें, अब सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, हवा में आयोडीन, यानी आयोडीन जो है आपका वो ठोस हालत में पाया जाता है, और हवा कैसी है, गैस हालत में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो आपका कौन है, सॉल्यूट है। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ यहाँ पर, अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूट और यहाँ पर लिखा मैंने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और यहाँ पर उसकी कुछ मिसाल है, उनका मिक्सचर दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, मिक्सचर, मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूट जो है आपका आयोडीन है वो सॉल्यूट बन गया, और जो हवा है वो गैस शक्ल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है अल्कोहल और, चलो अल्कोहल और पानी, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूंगा नींबू पानी, नींबू पानी जो होता है हमारा, अल्कोहल यानी पानी में अल्कोहल, या फिर पानी नींबू पानी की एग्जाम्पल है यहाँ पर जो है ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए इतना यहाँ पर उसने जो दिया ना, उसमें थोड़ा सा लिखने में गलती किया, उसने बराबर नहीं दिया है, स्पेस वगैरह नहीं लगाया, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में।
लींबू पानी की एग्जाम, पानी लींबू पानी ऐसे बोला है, यानी लींबू पानी। नींबू पानी के अंदर क्या होता है, आप पानी के अंदर एक ग्लास पानी लिया आपने, और उसके अंदर आपने क्या किया, नींबू ऐड कर दिया। एक ग्लास पानी के अंदर आपने नींबू ऐड किया, तो पानी तो अपना यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्वेंट बन जाएगा। देखो जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है ना सॉल्वेंट की, एक बात सॉल्वेंट कैसे पहचाने, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, सॉल्वेंट हमेशा ही ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, और सॉलिड जो रहता है ना वो कम क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर जब हम नींबू को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, नींबू पानी जो मिलेगा, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन जो है, यानी जो उसके अंदर पानी है, तो पानी अपना क्या है, माय है, और नींबू के अंदर जो नींबू रस का रस जो है वो भी क्या है, वो भी पानी है, दोनों भी पानी है। तो दोनों की एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आएगा, फिर माय, और यहाँ पर भी आएगा माय, यानी मुनहल भी सॉल्यूट भी क्या है आपका, माय है, और सॉल्वेंट भी क्या है आपका, माय है। तीसरा यहाँ पर है नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अब यहां पर नाइट्रोजन जो है इसको आपने क्या किया है, सॉरी क्लोरोफॉर्म को आपने नाइट्रोजन गैस में मिला दिया है, तो उसका आपको यहां पर एग्जांपल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में ये जो है नेक्स्ट, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर कोल्ड ड्रिंक की एग्जाम्पल है, पानी में हल शुदा ऑक्सीजन, ये इसकी एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है कि जैसे कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो यानी CO2 को आपने वाटर में मिला दिया है, ओके, तो ये क्या बनेगा, CO2 किस हालत में होता है, कार्बोनेट यहाँ पर CO2, यहाँ पे जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो रहता है गैस की शक्ल में होता है, और पानी तो पानी ही है, माई की शक्ल में रहता है। तो ये हो गया आपका गैस को जो आपने मिलाया है वो किस में मिलाया है, माई में। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई, यानी आपका जो यहाँ पर CO2 है वो गैस बन, मतलब जो आपका यहाँ पर सॉल्वेट सॉल्यूट है वो गैस की शक्ल में है, और सॉल्वेंट माय की शक्ल में है। पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन जो है, अभी हाइड्रोजन जो है किस शक्ल में पाया जाता है, गैस की हालत में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है गैस की हालत में पाया जाता है। पैलेडियम जो है यहाँ पर एक धातु की एक एग्जाम्पल है, धातु की एक मिसाल है, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है, अच्छा धातु का रह गया है यहाँ पर, धातु के सात अमलगम, ठीक है, यहाँ पर जो है यानी अमलगम की बात कर सकते हैं, या फिर अमलगम हटाकर मैं इसके आगे सिल्वर ले लेता हूँ, ठीक है, सिल्वर ले लेता हूँ, आपको याद रहेगा इससे। मैं यहाँ पर पांचवा जो है मैं बताना भूल गया, तो धातु जो अपना यहाँ पर पारा जो होता है, पारे को हम किसमें मिला रहे हैं, सिल्वर में, ऐसा समझ लीजिए। पारा किस शक्ल में पाया जाता है, पारे के बारे में सभी को पता है, पारा जो अपना पाया जाता है वो माई की हालत पर, पारा सभी की ने देखा है ना किस तरीके से होता है, मरक्यूरी, माई की हालत में पाया जाता है। और जो सिल्वर हम यहाँ पर ले रहे हैं, अमलगम हम जो ले रहे हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से रहता है, वो ठोस हालत में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूट सॉल्यूट जो बना वो माई की शक्ल में है, और दूसरा है जो जिसमें ऐड कर रहे हैं वो ठोस की हालत में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बताया हो पैलेडियम, जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं पैलेडियम में, तो पैलेडियम जो है ना एक ठोस की एक एग्जाम्पल। आगे आएंगी ये सारी चीजें, कैसा है अपने चैप्टर शुरू हुआ है ना, अभी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शंस वगैरह आपको वहां पर ज्यादा रहते हैं, अभी अपने को सिर्फ इसके अंदर पढ़ना है, समझना है इसके बारे में। मिसालें दी गई हैं यहाँ पर, मैं गैस ले लिया हूँ यहाँ पर, ठोस ले लिया हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट वाला जो है जिसमें बोला है गैस, सॉरी हवा, यानी गैसों का आमेजा, यानी आपने कुछ गैसेस यहाँ, गैसों की बात की यहाँ पर, अलग अलग तरीके की आपने क्या किए, गैसेस लिए हैं, उनका मिक्सचर ले लिया, कोई भी गैस ले लो यहाँ पर, अपने अगर एटमोसफियर देखोगे, एटमोसफियर में जो हमारी हवा है, अजान हो रही है, थोड़ा टाइम लीजिए, अजान के बाद में शुरू कर रहा हूँ वापस।
क्लास शुरू है मेरी। चलिए ठीक है, मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे नाइन्थ पॉइंट के अंदर डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, नवे पॉइंट में क्या है, गैसों का जो आमेजा होता है, यानी जैसे अब गैस की बात करें, हवा जो है, जैसे हमारे जो अतराफ में हवा जो पाई जाती है उसमें कई तरीके की गैसेस मिक्स है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ETC, और कुछ और अलग 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 तरीके की गैसेस का मिक्सचर होती है। तो ये जो है इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो भी गैस है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ये टेबल अगर आपको आया एग्जाम में तो ये तो जनरली आएगा ही नहीं मुझे लगता है, अगर लेकिन अगर आया तो 2 से 3 मार्क के लिए आपको आएगा, 2 मार्क के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो है अपना, इसके बाद जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो है सॉल्युबिलिटी। लेकिन सॉल्युबिलिटी से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के अपने पास में सॉल्यूशन मिलते हैं अपने को, कितने टाइप्स हम लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो, जैसे आपको पता होगा, आपने शायद से, जहाँ तक कि मुझे पता है, आप लोगों ने ये सारी चीजें 10th क्लास में भी सीखी होंगी आपके, या उससे भी पहले पढ़ा होगा कि जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की टाइप्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे भी इसके अंदर बेसिक डिस्कशन करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उर्दू में इसको हम कह सकते हैं महलूल की किस्में। तो इसके अंदर कौन सी किस्म आती है, तो यहाँ पर मैं आपको इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि अपने अभी फिलहाल के लिए इसका काम नहीं है। इसके पहले इसमें मैंने लिया अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा यहां पर लिया मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये नाम है इनके। तीसरा यहां पर लिया मैंने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से लिए हमने? हाँ, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का हिस्सा जो आएगा वो खाली जगह की शक्ल में आएगा। अगर आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ये दे दिया, या फिर 1-2 मार्क के लिए दे दिया इस तरीके से, और बोला कि बताओ, मतलब जो खाली जगह रहेंगी उसको फिल करने के लिए बोलेगा, तो आपको बोलेगा कि बताइए ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये जो है, जैसे अनसेचुरेटेड क्या है, सेचुरेटेड क्या है, सुपर सेचुरेटेड क्या है। देखो यहाँ पर इसकी मैं एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के साथ में ये बताऊंगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको ज्यादा डिटेल में मैंने बोला हूँ कि ज्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ग्लास पानी ले रहा हूँ, हमें क्या करना है, शक्कर का पानी बनाना है। ठीक है, शक्कर का पानी बना रहे हैं हम पीने के लिए। अब शक्कर का पानी पीने के लिए हमें बनाना है, तो हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर देखिए इसी इसी के ऊपर, एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं इसको समझा दूंगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा चम्मच लिया मैंने, ठीक है, चम्मच जो होता है वो चम्मच लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, एक गिलास पानी मैंने यहाँ पर लिया और उसके अंदर मुझे शक्कर ऐड करनी है। अब शक्कर क्या है वो आपको पता है, सॉल्यूशन क्या है, हाँ, सैरशुदा गैर सैरशुदा। लेकिन थोड़ा मैं इसके नहीं, सैरशुदा के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी पहले आपको थोड़ा सा इसके बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे इसके सारी चीजें लेने वाला हूँ, सैरशुदा गैर सैरशुदा वगैरह वगैरह सारे टॉपिक जो है आगे डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला हूँ आप लोगों का, यहाँ पर मैंने क्या किया, पानी लिया
और पानी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शक्कर ऐड कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी के अंदर मुझे शक्कर ऐड करना है, तो पानी ना लेते हुए ऐसा समझ लीजिए पानी तो बहुत कम हो जा रहा है यहाँ, मतलब गिलास छोटा हो जा रहा है। मैं एक बर्तन ले लेता हूँ यहाँ पर और उसके अंदर हमें मान लीजिए कि चाय बनाना है, ठीक है। एक बर्तन हमने यहाँ पर लिए और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। अब हमने इसके अंदर लगभग आधा बर्तन, यानी जो अपना बर्तन हम चाय बनाते हैं जिसके अंदर भगोना, उसके अंदर हमने आधा बर्तन पानी भर दिया है। अब हमें यहाँ पर चाय बनाना है। चाय के अंदर मैंने क्या किया, मतलब लगभग मैंने इसके अंदर मुझे 10 कप चाय बनाना है, ऐसे समझ लीजिए 10 कप चाय बनाना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 कप, सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाला, सिर्फ एक ही चम्मच मैंने क्या किया इसके अंदर शक्कर डाला। तो ऐसे केस में ये जो मेरी चाय बनेगी वो किस तरीके की चाय बन जाएगी, वो फीकी हो जाएगी, ठीक है, वो जो है वो फीकी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके अंदर 10 कप चाय बना रहा हूं, तो 10 कप के हिसाब से मैंने इसके अंदर क्या किया, 10 चम्मच शक्कर डाला। एक जो हम डेली लाइफ में करते हैं ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 10 कप चाय के हिसाब से मैंने इसके अंदर 10 चम्मच शक्कर डाला। तो ऐसे केस में जो हमारी जो चाय बनेंगी वो किस तरीके की बनेंगी, वो नॉर्मल बनेंगी, ज्यादा मीठी नहीं, थोड़ी मीठी होंगी लेकिन नॉर्मल रहेगी जो हमारी डेली लाइफ की रहती है। तीसरा केस ये है कि 10 कप चाय बनाने के लिए मैंने इसके अंदर लगभग 20 कप या 20 से 25 कप चम्मच शक्कर डाल दिया। तो इस केस में जो मेरी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं चाय की, वो किस तरीके से बनेगी बताइए, चाय कैसी रहेगी, क्या वो मीठी रहेगी या नॉर्मल रहेगी या फीकी रहेगी। बहुत ज्यादा ये क्या होगी, मीठी हो जाएगी। ओके, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तीनों एग्जाम्पल मैंने अभी उसके मीनिंग बताऊंगा कौन क्या बनेगा इसके अंदर, लेकिन डेली लाइफ का एग्जाम्पल मैंने बताया क्योंकि इस चीज को अपने को समझने के लिए डेली लाइफ का एग्जाम्पल काफी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले क्या किया था, 10 कप चाय बनाना है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच शक्कर डाली, तो जो चाय बनेगी वो फीकी हो जाएगी। तो वो जो फीकी वाली चाय बन रही है वो एग्जाम्पल है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का, यानी अगर जो हम बना रहे सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं वो बहुत ही कम अगर हम ऐड कर दें, यानी बहुत ज्यादा कम मिकदार में हम उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा दूसरा यहाँ पर बात की है हमने कि भाई जो हमें 10 कप चाय बनानी है और उसके अंदर हमने 10 ही चम्मच शक्कर डाले हैं, चम्मच की साइज छोटी रखो जो नॉर्मल चम्मच रहता है, तो उस तरह हमने उसके अंदर डाले हैं, तो हमें एक परफेक्ट चाय मिली है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, मतलब ज्यादा फीकी भी नहीं ज्यादा मीठी भी नहीं, बराबर नॉर्मल। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट है बराबर ऐड किया गया। बराबर ऐड करने से मुराद ये नहीं कि 10 कप शक्कर में 10 कप सॉरी 10 कप पानी में या फिर 10 कप चाय के लिए आपने 10 कप शक्कर ऐड की, ये नहीं है, 1 कप के लिए 1 चम्मच, ये बराबर दोनों का रेशो बराबर रहेगा इस तरीके से। तो ऐसे इसको सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा यहां पर मैंने बोला सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी 10 कप चाय बनानी है उसके अंदर आपने 30 चम्मच शक्कर डाल दिए, तो वो तो बहुत ज्यादा मीठी हो जाएंगी, बल्कि वो शक्कर उसके अंदर घुलेगी भी नहीं, ठीक है। ऐसे केस में जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी ये इसलिए एग्जांपल दिया हूं मैंने क्योंकि अपने भी आगे आएंगे, इसलिए मैंने पहले बताना जरूरी समझा कि क्या क्या होता है, जैसे अनसेचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। चलिए इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हल पजीरी किसे कहते हैं। तो हल पजीरी क्या होता है, ये जो हाँ बहुत सारे बच्चे जो क्लास के अंदर अभी अटेंड कर रहे हैं, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये लेक्चर की नोट्स जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसको पूरा मैं एक नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रख दूंगा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रख दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें चाहिए, जो बच्चे न्यू बच्चे हैं अभी क्लास में अटेंड हुए हैं, जो यूट्यूब पर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो नंबर नीचे मेरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, वो मेरा नंबर है, उसके ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिएगा और वो जो उसके ऊपर जाकर आप मैसेज कर दोगे उसके ऊपर मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, या फिर अगर मेरे आपके पास मेरा नंबर सेव है तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा और आपको वो नोट्स व्हाट्सएप स्टेटस पर से मेरे मिल जाएगी। ये जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये पूरी नोट्स आपको मिल जाएगी उसके अंदर।
तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सवाल नंबर 3 को देख लीजिए एक बार। हल पजीरी सॉल्युबिलिटी क्या से क्या मुराद है? ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है यहाँ पर, सवाल नंबर 3 जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हल पजीरी यानी सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। हल पजीरी पर असरअंदाज अवामिल बयान कीजिए। ये हमें इसके अंदर, ये भी मैं आपको बयान करूंगा कौन से टॉपिक होते हैं जो इसके उस पर असर डालते हैं। तो हल पजीरी क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। सैरशुदा महलूल में महलिल की इकाई हजम में हलशुदा मुनहल की मिकदार महलूल की हल पजीरी कहलाती है। इसकी इकाई मोल फी लीटर होती है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो आपको अगर इसको बताना है इसके किस तरीके से हम लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूट पहले आप सॉल्यूट कितना ले रहे हो और अमाउंट जो उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो हम डेफिनेशन लेंगे वो इस तरीके से लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कितना आप ले रहे हो। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर जो हम सॉल्यूट लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट की मिकदार हम कितनी ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्कर कितनी ले रहे हैं, पानी कितना ले रहे हैं, जैसे एक गिलास आपने पानी ले लिया, आपने एक गिलास पानी ले लिया और उसमें आप इस तरीके से, ठीक है, आपने एक गिलास पानी ले लिया तो उसका वॉल्यूम, उसका हजम और उसमें कितना सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो ये आप किसके इस तरीके से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। अब बात करें अगर इसका यूनिट क्या होता है, तो जो सॉल्यूट हम लेंगे यहाँ पर, जो भी हम यहाँ पर मात्रा लेंगे, जो सॉल्यूट जो हम लेंगे जो इसमें ऐड कर रहे हैं उसको हम गिनेंगे मोल में। ठीक है, उसको हम इसका ये एसआई यूनिट जो है ना लिखना जरूरी है। मान लीजिए अगर आपकी डेफिनेशन एग्जाम में अगर आ जाती है तो उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, उसका जो इसका यूनिट है वो लिखना पड़ेगा। अगर वो लिखते नहीं आप तो उसके मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के, इसलिए इस बात का ख्याल रखें, मार्क्स आपके, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पूरे मार्क्स लिखे तो वो लिखना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं उसको किस में गिना जा रहा है, तो उसके अंदर हम मोल्स लेते हैं, तो मोल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल्स अपॉन लीटर। ठीक है, तो हम इसको जो यूनिट लेते हैं इसका वो इस तरीके से लेंगे, मोल पर लीटर शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करती है, इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी पर। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी देखिए सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है यहाँ पर। आज तो आज के लेक्चर में तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ आगे का क्वेश्चन क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया देता हूँ। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि घुल जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं घुलती है। उसके एग्जाम्पल जैसे मैं डेली लाइफ की अगर आपको दू, तो जैसे मैंने एक तो यहाँ पर लिया हूँ शक्कर का पानी। शक्कर के पानी में हमने क्या देखा है कि जैसे क्या होता है कि उसके अंदर हमने एक गिलास पानी लिए और एक गिलास पानी के अंदर हम क्या करें, शक्कर डाल रहे हैं, तो हम देखते हैं शक्कर थोड़ी देर के बाद या कुछ देर के बाद में उसमें घुल जाती है। ठीक है, शक्कर जो है उसके अंदर घुल जाती है। लेकिन अगर बात करें पानी जो दूसरा, अगर एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे रेती, अगर आप एक गिलास पानी ले रहे हैं और रेती ले रहे हैं, तो रेती अगर उसके अंदर डालोगे तो रेती को आप 1 घंटा रखो, 10 घंटे रखो पानी के अंदर, जैसे कि वैसी रहेगी, वो घुलने वाली नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो घुल जाती है, कुछ चीजें वैसी की वैसी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके एक एग्जाम्पल लिए है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर। अब जैसे क्या, कौन सी चीजें हैं जो इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर बोला है हल पजीरी पर असरअंदाज अवामिल दर्ज ज़ैल है, कौन से है वो मैं आपको सिर्फ उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहला तो आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट किस तरीके का है उस और सॉल्वेंट किस तरीके का है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूँ, वैसे मैं आपको थोड़ा सा ये एक टॉपिक बता देता हूँ, मुशाबा कीमियाई खवास रखने वाली अशिया एक दूसरे में ज्यादा हल पजीर होते हैं। मसलन NaCl, देखो ये जो है ना, जैसे यहाँ पर बोला है एक जैसी, जो यहाँ पर बोला है मुशाबा कीमियाई खवास रखने वाली, मुशाबा कीमियाई खवास रखने वाले किसे कहते हैं हम, जैसे कुछ अपने पास में सॉल्यूशन सॉल्यू जो होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर बोला
पोलार सॉल्यूट डिजॉल्व 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 यानी घुलना, डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट। ये मीनिंग समझा रहा हूं मैं भी आपको, लिखने दीजिए। जो पोलार सॉल्यूट होते हैं वो जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, किसमें? पोलार सॉल्वेंट में। पोलार बोले तो पोलार जो शब्द है, ये वर्ड है, ये पोलार बना है पोल से। पोल से, पोल किसे कहते हैं, इसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से। तो पोल्स कहते हैं हम यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 6 में चैप्टर पढ़ा है, तो पोल्स किसे कहते हैं, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर दो अलग अलग हम पोल्स लेते हैं, ये जो पोल्स होता है इसका साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर बताया। वैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये मैग्नेटिज्म की बात होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें अगर, तो पोल्स जो है ना हम यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक साइड लिया मैंने पॉजिटिव, एक साइड लिया मैंने नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस जो है ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोल्स हो गए, तो पॉजिटिव एक अलग हो गया और ये एक नेगेटिव जो है ये अलग पोल्स हो गया। तो ऐसे टाइप के जो अपने हम मटेरियल यहाँ यूज कर रहे हैं जिसके अंदर पोल्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हम कहने आयनी मुरक्कबात, ठीक है, आयनी मुरक्कब, तो इन्हें हम कहते हैं पोलार सॉल्यूट, पोलार। अब पोलार की एग्जाम्पल जो है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, जो पोलार सॉल्यूट जो है यहाँ पर बोला है कि पोलार सॉल्यूट डिजोल्व हो जाते हैं पोलार सॉल्वेंट में जल्दी, इसकी एग्जाम्पल जो है जैसे NaCl, NaCl जो है आयनी मुरक्कब, आयनी मुरक्कब है। अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो यहाँ पर मैं उसके नीचे एग्जाम्पल लेता हूँ, NaCl जो है अगर इसकी मैं एग्जाम्पल लू, तो NaCl को अगर आपने पानी में घोल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या होता है, ये टूट जाता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, ये तो बात सभी को पता होगी, ठीक है, बेसिक इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, 11th में या आपने 9th-10th में पढ़ा होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव यानी मुसबित जो है ये क्या है, एक चार्ज है, Cl नेगेटिव ये भी क्या है, बरकिबार है, चार्ज है, तो ये क्या है, ये आयनी मुरक्कब बन गया, ये आयन फॉर्म हो गया, इसे हम कहते हैं आयन। आयन की दो टाइप्स होती है, पता होगा आप लोगों को, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। एनायन जो होता है नेगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, तो ये इस तरीके से है। वैसे बात करें अगर H2O की, अगर H2O की बात कर रहे हैं, तो H2 क्या होता है यहाँ पर, इसको भी अगर देखा आपने तो दो हिस्सों में तोड़ दिया अगर इसको, तो H2 जो है आपका एक पॉजिटिव मिल जाएगा आपको और O नेगेटिव मिल जाएगा। यानी ये जो है यहाँ पर देखिए NaCl जो है, हम इस एग्जाम्पल में हमने बात की है, तो NaCl को हमने क्या किया, NaCl को यानी ये है सॉल्यूट और इसको हमने H2O में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड किया, ठीक है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसको अगर हमने ऐड किया तो ये भी कैसा है, ये भी एक पोलार सॉल्वेंट है, यानी आयनी मुरक्कब है, ये भी है पोलार सॉल्वेंट, तो ये पोलार, सॉरी ये पोलार सॉल्यूट है और ये पोलार सॉल्वेंट है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा, हम उसमें क्या देख सकते हैं कि ये जो NaCl है वो बहुत अच्छे से घुल जाता है किसमें, H2O में, ठीक है। तो ये हमारा डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल हो गया। आगे के कुछ चैप्टर्स मैं लूंगा, जैसे यहाँ पर आगे के लेक्चर में इसके नीचे और भी दो तीन एग्जाम्पल हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, और इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा हमारा उसके अंदर में हेनरी का कानून जो है उसको डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहाँ खत्म करता हूँ, स्टडी करते रहिए, और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मेरा नंबर नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो उस नंबर पर जाइए और उस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, और जैसे आप लोगों को पता है मेरा रेगुलर लेक्चर जो है यूट्यूब पर भी चलते रहते हैं यूट्यूब पर, लेकिन टीचमेंट ऐप पर रेगुलर डेली क्लास चल रही है, तो टीचमेंट की क्लास रेगुलर ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो स्टडी करते रहिए, स्टॉप। क्या